हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैंसर कीमोथेरेपी में एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स के बारे में। ये वीडियो बेटा हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये भी जो आउटब्रेक है कोविड का, इस दौरान हम घर पे हैं, हम बना रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये फ़ायदा करे। तो सबसे पहले एंटी मेटाबोलाइट्स का जो कंसेप्ट आया था वो तो पहले मतलब न्यू ड्रग डिस्कवरी में आया था। अभी नए टाइम्स में इसको हम लोग प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलो मिक्स करके हम इसको बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एंटी मेटाबोलाइट्स में एंटी फोलेट ड्रग्स के बारे में। एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं एंटी फोलेट ड्रग्स में आता है मीथोट्रेक्सेट। इसको हम लोग MTX से भी दिखाते हैं बेटा, इसको MTX से भी दिखाते हैं। ये जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा ये मॉलिकुलर लेवल पे होगा। किस पे होगा? मॉलिकुलर लेवल पे होगा। ये मॉलिकुलर लेवल पे होगा। ये हमारे सारे जो MD स्टूडेंट हैं, MD फार्माकोलॉजी स्टूडेंट हैं, MD बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, MPharm फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, VPharm UG फार्माकोलॉजी कम मेडिसिनल केमिस्ट्री जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है। मॉलिकुलर लेवल पे हम लोगों को ये जानना चाहिए, ठीक है। बेसिकली MD फार्माकोलॉजी, MPharm फार्माकोलॉजी, VPharm मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी, MD बायोकेमिस्ट्री के लिए भी हेल्पफुल होगा। जो मॉलिकुलर लेवल पे हम लोगों को लिखना रहता है वो उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग टारगेटिंग की बात कर रहे हैं कि पहले हम फोलिक एसिड की बात कर लें। एंटी फोलेट बनाना है तो पहले फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लें। तो फोलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसको हम पहले ड्रा कर लेते हैं कि फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे है। तो फोलिक स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में यहां पे NH रहता है और यहां पे NH2 रहता है और यहां पे ये ऐसे, फिर N की बात करेंगे, यहां पे हम, और फिर यहां पे ये N रहता है और यहां पे ये भी N रहता है, ऐसे रहता है, और फिर यहां पे CH2 रहता है, और फिर यहां पे अगर हम बात करें तो फिर ये O रहता है यहां पे, और फिर यहां पे अगर हम बात करें तो OH रहता है। चलिए अब यहाँ पे H और ये NH लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया और ये हमने लिख दिया COOH, और प्लस जो है ये प्लस जो है यहाँ पे हम लिख देंगे ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे लिख देंगे हम ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे हम लिख देंगे फिर NH, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे H, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे H एंड देन CH2 एंड देन COOH। ये वाला जो पोर्शन है ये ग्लूटामिक एसिड का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये है पावा का पोर्शन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और ये वाला जो रिंग है ये है टेरिडीन रिंग, ये है टेरिडीन रिंग। अब टेरिडीन रिंग की अगर हम बात करें इसको, तो हमने कुछ नहीं किया, NH2 को हमने बाइफर्केट करके यहां पे HH NH2 हो गया। अब COH यहां पे है ये, और यहां पे भी जो अमीनो ग्रुप है ग्लूटामिक एसिड में एसिमेट्रिक कार्बन, यहां पे अगर हम बात करें तो H है, ये COH है, CH2 COH, और ये NH NH2 है। अब यहां पे अगर हम जो बात करेंगे तो यहां पे अगर इसकी बात करें तो ये इसको ऐसे कर लेगा, और यहां पे ये भी इसको ऐसे कर लेगा, यहाँ पे ये भी इसको ऐसे कर लेगा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास मिलेगा वो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे मिलेगा, ये ऐसे NH एंड देन NH2 एंड देन N, और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे तो यहाँ पे N, फिर N, फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, फिर देन CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा NH एंड देन यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, और बेंजोइक एसिड में यहाँ पे क्या बचेगा CO एंड देन सी डबल बॉन्ड को एंड देन NH एंड देन C एंड देन H COOH CH2 एंड देन COOH। अगर हम बेसिकली बात करें कि ये वाले जो रिंग है ये कहाँ कहाँ पाए, ये जो रिंग है टेरिडीन रिंग है ये हमारे कुछ मेडिसिन में भी पाया जाते हैं, जैसे पोटेशियम स्पेरिंग जो डायरेटिक्स होते हैं, ट्राइएमेट्रिन में ये पाया जाता है, ट्राइएमेट्रिन में पोटेशियम स्पर्मिंग है। और इसमें अगर हम इसको बंद कर दें ऐसे तो ये वाला जो रिंग बच रहा है ये वाला इसको हम लोग पैराजिन रिंग बोलते हैं, इसको टेरिडीन रिंग बोलते हैं। ये पाया जाता है ट्राइएमेट्रिन, ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, और इसमें अगर हम इन सबको बंद करते हैं तो ये वाली जो रिंग आती है ये अमाइलोराइड रिंग है, ये सॉरी ये पैराजिन रिंग है, ये अमाइलोराइड में पाया जाती है। किसमें पाया जाती है? अमाइलोराइड में पाया जाती है।
अमाइलोराइड में पाई जाती है, अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन। जो पोटेशियम स्पार्मिंग डायुरेटिक से पोटेशियम को लॉस करने से जो कैलियोरेसिस होता है, जो सोडियम चैनल्स को जो सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब होता है नाट्रियोरेसिस इफेक्ट में, जो हम बात करें जो सोडियम ज्यादा जाएगा, जो सोडियम ज्यादा जाएगा तो पोटेशियम लुमिनल वेसल से वहां पे ज्यादा एक्सचेंज करेगा तो पोटेशियम का लॉस ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलियोरेसिस। तो पोटेशियम का लॉस ज्यादा ना हो इसलिए हम लोग इस तरीके के ड्रग्स देते हैं जिसमें आपको ट्राइमेट्रिन या अमाइलोराइड आता है, ट्राइमेट्रिन अमाइलोराइड। तो उसमें ये रिंग होता है, इसमें ये रिंग होता है, ट्राइमेट्रिन में दोनों और अमाइलोराइड में केवल ये। अब हम बात करते हैं, हम बात करते थे कि ये अब बन गया आपका फोलिक एसिड, ये जो है आपका फोलिक एसिड बन गया। अब इस फोलिक एसिड में, इस फोलिक एसिड में अगर हम ड्रग टारगेटिंग की बात करेंगे, ड्रग कैसे हम इसको चेंज करेंगे, अगर यहां पे जो NH है, अगर इस H को अगर हम यहां पे हटा दें, अगर यहां पे हम S को लाएं तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड जब यहां पे आ जाएगा तो ये OH हो जाएगा और यहां पे केवल N रहेगा। तो OH रहेगा तो ऑक्सीजन की बात करें तो 6 और हाइड्रोजन की बात करें तो 1, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन टोटल आएगी ये आ जाएगी 7। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट करना है। क्या रिप्लेसमेंट करना है? आइसोस्टेरिक। तो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट OH का आइसोस्टेरिक प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? NH2। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? N, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब यहां पे आ जाएगा ये NH2 एंड देन N, और यहां पे अगर हम बात करें फिर तो ये आ जाएगा आपका N, ये फिर N, ये ऐसे एंड देन जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर CH2 NH एंड देन डबल बॉन्ड एंड देन CO एंड देन NH एंड देन CH एंड देन COOH एंड देन CH2 ट्वाइस एंड देन COOH। इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो टेरिन। क्या बोलते हैं? अमीनो टेरिन। ये सबसे पहले ये ड्रग बना था। अमीनो टेरिन को हमने यहाँ पे अमीनो ग्रुप से इस तरह के रिप्लेसमेंट को, यहां से अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसको बोलते हैं आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट बोलते हैं, आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट। आइसोस्टेरिक मतलब आइसोस्टर का रिप्लेसमेंट हुआ, आइसोस्टर सेम इलेक्ट्रॉन को हमने सेम इलेक्ट्रॉन से OH में 7 है इसमें भी 7 है हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये जो ड्रग बना ये भी एंटी मेटाबोलाइट से है, इसको फर्स्ट टाइम इसको भी यूज हुआ था लेकिन इसकी पोटेंसी और इसके एडवर्स इफेक्ट के चलते थोड़ा सा बाद में हम इसको फिर चेंज किए। तब यहां पे जब हम चेंज किए तो इस हाइड्रोजन को हम लोगों ने बाद में चेंज कर दिया किससे? मिथाइल ग्रुप से। मिथाइल ग्रुप से जब चेंज करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, NH2 एंड देन N डबल बॉन्ड फिर आ जाएगा और फिर देन NH2, सब एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। एंड देन यहां पे हम बात कर लेंगे फिर वही N, ये ऐसे रहेगा N, फिर ये डबल बॉन्ड यहां पे रहेगा ये CH2, और बस N के जगह H की जगह पे यहां पे हम CH3 कर देंगे, N की जगह पे CH3 कर देंगे और यहां पे अभी आ जाएगा CONH एंड देन जो बचेगा उसको हम लिख देंगे COOH एंड देन CH2 ट्वाइस एंड देन COOH। अब ये बन गया आपको मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट। अब ये ड्रग बन गया आपका मीथोट्रेक्सेट। कौन सा ड्रग है? मीथोट्रेक्सेट। इसको हम लोग बोलते हैं MTX, MTX। अब ये जो ड्रग जो बार बार हम आपको प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स की बात कर रहे हैं, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स, सॉरी मेटाबोलोमिक्स और जो प्रोटियोमिक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं G1S G2M जो हमारा सेल साइकिल है, जो सेल साइकिल है G1S G2M, और फिर इसकी बात करेंगे अगर यहाँ पे फिर DNA एंड देन RNA एंड देन हम बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की। तो वंस इन वन एंजाइम के थ्योरी पे तो ये चले प्रोटीन वाली बात आ गई। तो G1S G2M अब किस फेज में ये रुकता है मीथोट्रेक्सेट? आ तो S फेज में। अभी अब हम क्लियर करेंगे पूरा, ये S फेज में क्लियर करता है। S ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है। क्या है? सेल साइकिल स्पेसिफिक है, सेल साइकिल स्पेसिफिक में काम करता है। और ये S फेज में मैं डीएनए का जो फेज आता है एस फेज में इसके सिंथेसिस को रोकता है, मतलब जो डिनोवा प्यूरिन सिंथेसिस होता है उसको ये रोकता है। तब देखते हैं कि कैंसर में, कैंसर केमोथेरेपी में ये कैसे काम करता है। अभी तो हम टारगेटिंग की बात कर रहे थे, टारगेटिंग में हमने बात किया कि ये हमारा टेरिडीन रिंग है और ये हमारा पाबा रिंग है और ये हमारा ग्लूटामिक एसिड है। तो पाबा, ग्लूटामिक एसिड और टेरिडीन इन सबको हम मिलाते हैं तब ये हमारा बनता है कौन सा? ये बनता है फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड में हमने बात किया था कि ये वाला जो रिंग है दोनों, ये दोनों रिंग, ये दोनों रिंग को हम लोग जो टेरिडीन रिंग है ये ट्राइमेट्रिन में पाया जाता है और ये वाला जो रिंग है अगर इसको बंद कर दें तो अमाइलोराइड में पाया जाता है। ये पोटेशियम स्पार्मिंग डायुरेटिक्स है जो पोटेशियम के जो कैलियोरेसिस होता है कैलियोरेसिस को रोक करके ये पोटेशियम को स्पेयर करता है। पोटेशियम स्पार्मिंग डायुरेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं स्पारिंग क्या लिखा हुआ है, स्पारिंग मतलब कि वो डायुरेटिक्स जो पोटेशियम को स्पेयर करे, जो स्पेयर करे उसको रोक के रखे, सोडियम को अंदर कम जाए देगा, जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो सोडियम जब कम जाएगा तो उसके एवज में पोटेशियम उससे एक्सचेंज कम होगा,
जाएगा, पोटेशियम का लॉस कम होगा तो कालियोरेसिस नहीं होगा, पोटेशियम को स्पेयर करेगा, इसलिए इसको हम लोग देते हैं। अब हमने इस पर बात किया कि कैसे कैसे बनते हैं, तो फोलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को मानते हुए हम इसका एंटागोनिस्ट बनाएंगे। तो एज इट इज जैसे इसका स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, और बनाते में हमने क्या किया यहां पे इनोल में जो फिनोल ग्रुप यहां पे OH ग्रुप है इसका आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट हमने NH2 से किया, तो सेम है। अब इसका एक एंटी कैंसर ड्रग बन गया। अभी आप ये पढ़ रहे हैं तब आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन हुआ, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जब इसका देखा गया होगा तो इतना इजी जॉब नहीं है। अब यहां पे NH2 आ गया, अब इसका एंटागोनिस्ट बना, फिर इसमें और भी चेंज किया गया, इसमें दिक्कत आया था अमिनोटेरिन में, बाद में ये अभी भी मतलब थोड़ा यूज होता है, इसकी थोड़ा इससे पोटेंशियल इसकी कम है, लेकिन अभी ये ज्यादा यही यूज होता है, मेथोट्रेक्सेट पहले शुरू की दौड़ में आता है। हालांकि मेथोट्रेक्सेट को केवल और केवल एंटी कैंसर में ही नहीं यूज होता है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट में भी यूज होता है, ये कैंसर केमोथेरेपी में भी यूज होता है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट में भी यूज होता है, और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज होता है, इसको। अब इम्यूनो सप्रेसेंट में इसको खास करके जेनरो ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन में इसको यूज करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कोई रिजेक्शन ना हो, अमीनो सप्रेसेंट के लिए यूज करके यहाँ पे अमीनो सप्रेशन कर दिया जाता है, जैसे ट्रांसप्लांटेशन को वो रिजेक्ट ना करे, कोई ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, तो इस तरीके के ड्रग को हमको इम्यूनो सप्रेसेंट, ये इम्यूनो फार्माकोलॉजी में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, चाहे MD फार्माकोलॉजी हो, चाहे M Pharm फार्माकोलॉजी हो, चाहे MD बायोकेमिस्ट्री हो, तो उस पे इसको हम और डिटेल में जब हम नया वीडियो बनाएंगे। अभी इस समय आउटब्रेक कोविड का चल रहा है, तो जितना कोशिश हो सकता है हम इसको बनाए। तो हमने क्या किया, ये देखा फोलिक एसिड इसका एंटागोनिस्ट एक बना, एक एंटागोनिस्ट बना, इसका एक ड्रग तैयार हो गया अमिनोटेरिन। अब ये ड्रग डिस्कवरी में एक ड्रग तैयार हो गया, दूसरा ड्रग यहां पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने मिथाइल ग्रुप से, तब ये नया ड्रग बन गया मेथोट्रेक्सेट। अब देखते हैं इसका किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यहां पे अगर हम फिर बात करें तो सीधे बात करते हैं, अब हम फोलिक एसिड की सिंथेसिस की बात नहीं करें, फोलिक एसिड का आपका बन गया है, तो फोलिक एसिड की बात करते हैं यहां पे, तो फिर यहां पे ओ आएगा, और फिर यहां पे ध्यान से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, NH2। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रहे तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारा वेलकम है, हम उसको देखेंगे, फिर उसके अनुसार अब हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे NH रहेगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक वो डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही रखा हुआ है, अब ये CH2 है, एंड देन यहाँ पे NH है, अब ये फोलेट में आ गया, ये किस में आ गया, फोलेट में, अब ये फोलिक एसिड से फोलेट में बदलेगा। अब यहाँ पे NH आ गया था, और यहाँ पे आया था बेटा क्या, यहाँ पे CO एंड देन NH, और देन यहाँ पे क्या था CH, और यहाँ पे COOH, और यहाँ पे ये था CH2, देन CH2 एंड देन COOH। अब ये फोलेट हो गया, क्या हो गया, फोलेट आ गया। अब फोलेट में यहाँ पे एक फिर एंजाइम काम करता है यहाँ पे, अब ये जो बनता है, ये जो सिंथेसिस हुआ था जो मैं आपको बता रहे थे, जो इस सिंथेसिस में जो ये बनता है, तो ये फोलेट सिंथेटेज यहाँ पे, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम काम करता है, फोलेट सिंथेटेज मतलब जो टेरिडीन था और पावा था और जो ग्लूटामिक एसिड था, इन सबको जोड़ करके फोलेट सिंथेटेज में यहाँ पे हम इसको हमने फोलिक एसिड बनाया है, तो इसको टेरिडीन के लिए डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज भी कही जगह है, डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज है, टोरेट सिंथेटेज भी कही जगह, टोरेट सिंथेटेज भी लिखा हुआ, टोरेट सिंथेटेज पी साइलेंट रहता है, टोरेट सिंथेटेज, इसको फोलेट सिंथेटेज भी हम लोग बोलते हैं, इसको हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या है, जोड़ने के बाद यह हमारा फोलेट बन गया, और फोलेट में यहां पे एक एंजाइम काम करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में अगर हम बात करें तो यहां पर यह जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर यह जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की बात कर ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की बात कर ले, दोनों अपना अपना ले लें, तो यहां पर हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन आगे देखते हैं इसको कैसे करेगा। अब यहां पे ये देखिए, यहां पे आ जाएगा NH एंड देन यहां पे आ जाएगा NH2 एंड देन यहां पे ये आ जाएगा फिर ऐसे N एंड देन ये NH है एंड देन यहां पे N, यहां पे ये आ गया एंड देन CH2 एंड देन NH, और इससे भी हम बात करते एज इट इज है, पेशेंस रख करके लिखना है, चूंकि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे लिख रहे हैं और पीजी और यूजी के जो यूजी में, चाहे वो MBBS के स्टूडेंट हो और यूजी में मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो अगर इस तरीके से पूछता है मॉलिक्यूलर लेवल पे कि कैसे इसको, ये कई तरीके से इस पे क्वेश्चंस आता है, वन कार्बन मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म, वन कार्बन मेटाबॉलिज्म से भी इस पे क्वेश्चन आता है, वन कार्बन मेटाबॉलिज्म क्या होता है इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसका भी आंसर यही हुआ, एमडी फार्माकोलॉजी, एमडी बायोकेमिस्ट्री, एमफॉर्म फार्माकोलॉजी, चाहे वो यूजी का एमबीबीएस का स्टूडेंट हो, चाहे यूजी फार्मा का स्टूडेंट हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहा हो, फार्माकोलॉजी का सॉल्व करो, अगर डिटेल में स्टडी आती है तभी आप इसको करिए उसके अनुसार, अगर डिटेल स्टडी नहीं आती है, डिटेल अकाउंट पूछता है तब उसको करेंगे, हालांकि पीजी में तो डायरेक्ट पूछता है, लेकिन यूजी में जब तक डायरेक्ट ना पूछे एमबीबीएस में और बी फॉर्म में या बीडीएस में तब तक आप इसको ना लिखिए मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर पूछता है तभी, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तभी आप उसको इसको लिखिएगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये जो बांड होगा ये यहां पे देखिए जो अनसैचुरेटेड बांड है, अब यहां पे हम हटा देंगे, अब यहां पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो लिखेंगे देख हाइड्रोजन यहां पे आ गया, जब ये बांड टूटेगा देख हाइड्रोजन यहां पे हिडन है, तो सब लोग जान रहे हैं यहां पे CH2 हो गया, तो अब इसको हम लोग लिख देंगे टेट्रा, अब ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड हो गया, ये डाइहाइड्रोफोलिक, अब यहां पे डाइहाइड्रोफोलेट से तो हम स्टार्टिंग किए थे डाइहाइड्रोफोलेट से, अब ये हो जाएगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से भी अब आ जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, हम सीधे एक स्टेप के आगे बढ़ा करके सीधे लिख दिया क्योंकि हम पावास पहले ही बना चुके थे, तो ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया, ये बन गया टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब ये जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से, तब इसमें एक और भी यहां पे एक सिंथेसिस होता है, अगर उसकी हम बात करें तो ये सेरीन से, किससे, सेरीन से, तो सेरीन यहाँ पे H लिख देते हैं, यहाँ पे CH2 लिख देते हैं, फिर C लिख देते हैं, और फिर CH लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे COOH एंड देन यहाँ पे NH2, तो सेरीन यहाँ पे जाता है और सेरीन के साथ यहाँ पे सेरीन जाएगा और यहाँ पे ग्लाइसिन निकल जाएगा, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन जब निकलेगा तो ये इस फॉर्म में निकलेगा, ग्लाइसिन इस फॉर्म में रहता है COOH एंड देन NH2, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो CH2 है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे ये OH जहां जुटेगा तो फिर वाटर निकाल देगा, और वाटर निकलेगा जहां से वो OH लेके जाएगा वहां से एक हाइड्रोजन दे देगा, तो एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा ये काम करेगा सेरीन हाइड्रोक्सिल मिथाइल ट्रांसफरेज, यहाँ पे देख लीजिए सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, तब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में से अब यहां पे ये एक मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा। अब क्या किया, यहां पे हमने देखा कि जैसे इसका स्ट्रक्चर वैसे यहां, अब यहां पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पे ये वाला एक्स्ट्रा हो रहा है तो CH2 और O, तो अब जब ये जहां पे जुट रहा है, देखिए कहां पे जुट रहा है, जहां पे ये जुटेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन को लेकर के OH को निकाल देगा और एक मिथाइल को, अब ये बन जाएगा यहां पे ये बन जाएगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब इसको देख लेते कैसे बनता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कैसे बनता है, सेम इसका स्ट्रक्चर जैसे है वैसे ही, इस H पे बस आपको ध्यान देना है, इस H पे जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो यहां पे ये OH से रहेगा, कुछ भी नहीं है, जैसे है वैसे लिखना है, कुछ भी टफ नहीं है, बस आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए कोई भी ये टफ नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा ये, और फिर यहाँ पे ये N आ जाएगा, फिर यहाँ पे H आ जाएगा, और फिर अब देखिए क्या करना है हमको, क्या करना है, अगर यहाँ से हम अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बात आएगी N5N10 की, तो N5N10 में यहां से देखिए ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 8। अब देखिए अब यहां पे कुछ नहीं है, अगर हम यहां पे बात करें CH2 है, यहां पे जो CH2 है इस CH2 को हम ऐसे कर सकते हैं तभी भी ये CH2 आ गया, देखिए इस CH2 को यहां भी दिखाओ बेटा, इस CH2 को अगर हम देखें तो यहां पे हम कॉर्नर पे दिखा दिए CH2, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, अब यहां पे NH है तो इसको हम यहां पे भी दिखा सकते हैं, NH यहां पर भी दिखा सकते हैं, अब बाकी जो चीज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया, यहां पे CO लिख दिया, और फिर यहां पे NH लिख दिया, और फिर C लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर COOH एंड देन CH2 एंड देन CH2 COOH, अब ये हमारा पूरा आ गया जैसे था वैसा। अब देखिए यहां पे N है, अब यहां पे आ गया था 8, अब ये कौन सा कार्बन होगा 9 और यहां पे 10, कई सारे हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर उनके लिए मैं एक बार रिवीजन करा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे जो ये वाला जो कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे 9, और यहां पे जब नाइट्रोजन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10। अब ये कह रहा है
N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अभी जो एक मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला एक जो मिथाइल ग्रुप है, ये इस मिथाइल ग्रुप में जहां पर जो ये इसमें हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन से ये OH यहां से निकल लेगा। क्या निकल लेगा? ये OH इस हाइड्रोजन को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा। ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बना लेगा? वाटर निकाल, वाटर बना लेगा। और ये जो मिथाइल ग्रुप है, जो इसमें से सेरीन से जो यहां पे ग्लाइसिन बना है, जो ग्लाइसिन बना है, तो इसमें से ये वाला मिथाइल ग्रुप फ्री हुआ, OH तो चला गया, OH चला गया इस हाइड्रोजन के साथ, चलिए वाटर निकाल लिया। अब इसमें से जो जितना चीज है, वाटर तो निकाल लिया, अब यहां पे एक और, तो यहां पे हम जोड़ेंगे ना, तो जब जोड़ेंगे तो अब देखिए, अब यहां पे हम ऐसे अगर जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, फिर हम ऐसे जोड़े तो यहां पे फिर CH2 आ गया। तो यही वाला ये CH2 है, यही वाला ये CH2 है। क्या हुआ फिर इसको देख लेते हैं। यहां पे सेरीन से, यहां पे सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज से यहां पे एक ग्लाइसिन बन गया है, ये एंजाइम है, और ये सेरीन से ग्लाइसिन में कन्वर्जन हुआ। जब सेरीन से ग्लाइसिन में कन्वर्जन होगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से बन जाएगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर है वैसे हमने लिख दिया। अब यहां पे CH2 है, इस CH2 के चलते हमने यहां पे CH2 लिख दिया। फिर अमीनो ग्रुप है तो हमने अमीनो ऐसे लिखा, फिर जैसे है वैसे लिख दिया। अब इस रिंग को हमने ऐसे किया, अब ये जो CH2 है जो इसमें से निकलने, इसमें से हमने ये डाला, जो बार बार आपको यहां से हमने सेरीन डाला और यहां से हमने ग्लाइसिन निकाल लिया। तो सेरीन में हमने एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ग्लाइसिन से, अगर बात करें तो CH2OH एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो इधर से CH2OH एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उतना उधर से कम निकाल रहे हैं, तो वो CH2 क्या होगा? वही CH2 यहां पे आकर के लगेगा, वही CH2। तो कहां पे लगेगा? N5 पे लगेगा। कहां पे? N5 और N10। फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 यहां पे है, 9 ये है, 10। तो C5 और N10 पे, यहां पे N5 और N10 पे ये हो जाएगा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब देखिए N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जब बनता है तो ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फिर दोबारा ये कन्वर्ट हो जाता है फिर डायहाइड्रो, फिर यहाँ पे अगर हम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को रिलीज करते हैं, यहाँ पर हम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को दोबारा रिलीज करते हैं तो करता है यहाँ पे एक और जो ये काम करता है, तो ये यूरेसिल से, यहाँ पे ये बात करते हैं हम यूरेसिल से यहां पे, ये यूरेसिल की अगर बात करें तो यहां पे एक हम सुगर बना देते हैं, यहां पे सुगर बना देते हैं, यहां पे CH2 बना देंगे, फिर OP बना देंगे, तो ये यूरेसिल है। ये क्या है? यूरेसिल से। अब यूरेसिल से ये बनता है थाइमिन। क्या बनता है? यूरेसिल से ये बनता है थाइमिन। यूरेसिल से ये बनता है थाइमिन। यूरेसिल से ये बनता है थाइमिन। ये वाला जो बांड है ये टूट जाएगा और यहां पे बन जाएगा थाइमिन। ये हो गया आपका थाइमिन। यहां पे फिर इस रिंग को हम दिखा देंगे डीऑक्सी हाँ। अब यहां पे डीऑक्सी पे HH कर देंगे, यहां पे HOH दिखा देंगे, यहां पे OH दिखा देंगे, और फिर यहां पे CH2, और फिर O के साथ हम अगर फास्फेट दिखाना चाहते हैं तो फास्फेट दिखा देंगे। तो ये बनता है आपका यूरेसिल से थाइमिन। अब इस केसेस में देखिए, यहां पे N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड गया और यहां से फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड निकल गया। क्या हो गया? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड निकल गया। तो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड डाला गया और फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक मिथाइल ग्रुप फ्री हुआ। इसी मिथाइल ग्रुप को जो फ्री होता है ये यूरेसिल से थाइमिन बनाने में, ये जो मिथाइल, अगर हम यूरेसिल की स्ट्रक्चर देखें और थाइमिन की स्ट्रक्चर देखें तो यूरेसिल के स्ट्रक्चर में और थाइमिन के स्ट्रक्चर में देखें तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। यूरेसिल के स्ट्रक्चर में यहां पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है। तो ये कहां से मिथाइल ग्रुप आया? तो एक बार फिर यहां पे इजी करके समझ लेते हैं कि जो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड था ये कन्वर्ट हो गया, चलिए टेट्राहाइड्रोफोलिक डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक फिर डाइहाइड्रोफोलिक में चलिए चला गया। ठीक है, अब यहां पे ये एक एंजाइम होता है थाइमिडालेट सिंथेटेज। तो N5N10 मिथाइलिन आपने डाला और इधर से ये निकाल लिया तो मिथाइलिन ग्रुप फ्री हुआ ना। इधर से हमने डाला N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक, इधर से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड निकाल लिया तो एक मिथाइलिन ग्रुप फ्री हुआ, एक मिथाइल ग्रुप फ्री हुआ। तो एक मिथाइल ग्रुप फ्री होगा तो इसी को जैसे ये यहां पे करेगा तो यहां से जब इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है तो यूरेसिल से थाइमिन बनाने में ये हेल्प करेगा, यूरेसिल से थाइमिन बनाने में ये हेल्प करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ड्रग है मिथोट्रेक्सेट वो काम कहां करता है। तो इतना हम पहले बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे बता देंगे तभी इस पे हम काम करेंगे। तो ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में मिथोट्रेक्सेट जो होता है, मिथोट्रेक्सेट ये यहीं पे इसको ब्लॉक कर देता है,
यहीं पे इसको ये ब्लॉक कर देता, मतलब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देगा। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के फिर आगे का जो कन्वर्जन है वो आगे रुक जाएगा, और फिर जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड अगर बन भी गया तो फिर यूरेसिल से फिर थायमिन के लिए फिर दोबारा ये जो है इसके कन्वर्जन में नहीं आएगा। अब ये जो मतलब इनहिबिशन होता है ये स्यूडो इरिवर्सिबल होता है। कौन सा रिवर्सिबल होता है? स्यूडो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, स्यूडो इरिवर्सिबल। तो कुछ बातें मेथोट्रेक्सेट के बारे में थोड़ा सा अभी बात कर लें कि सबसे पहले तो ये एस फेज में काम करता है, सेल साइकिल स्पेसिफिक होता है। पहली बात तो ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होता है, डिनोवा प्यूरिन सिंथेसिस को रोकता है, और जो मेन काम ये कर रहा है तो ये वन कार्बन यूनिट, अगर हम बात करें तो वन कार्बन यूनिट को ट्रांसफर होने से ये रोक रहा है, जो मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यहाँ पे बन रहा है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से, जो टेट्रा N5N10 से जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है तो जो मिथाइल ग्रुप फ्री हो रहा है इसी से ये यूरेसिल से थायमिन बनने में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम देख लें तो ये भी यूनिक है। आप कहेंगे कि सर क्यों इतना यूनिक है, अगर यूनिक नहीं रहता तो ये देखिए ये यूरेसिल है और ये थायमिन है। तो यूरेसिल केवल ये अगर हम बात करें तो आरएनए के लिए बात करते हैं, और थायमिन हम डीएनए में बात करते हैं, दोनों यूनिक है। जो इसको जो सारे बेस पेयर है वो आरएनए में भी पाए जाते हैं, वो सारे बेस पेयर डीएनए में भी पाए जाते हैं, बस थायमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम है, जिस एंजाइम को मैं आपको बताया था, इस एंजाइम का नाम है थाइमिडालेट सिंथेटेज। क्या नाम है? जहां पे मैं लिखा हूं थाइमिडालेट सिंथेटेज। अब यहाँ पे इस एंजाइम को भी रोकने के लिए एक और भी ड्रग आता है, इस ड्रग का नाम है 5-fluoro-uracil। इस ड्रग का नाम है 5-fluoro-uracil। तो अगर ये यूरेसिल से 5-fluoro-uracil, 5-fluoro-uracil में देख लेते हैं कि क्या है। 5-fluoro-uracil में यहाँ पे NH रहता है और यहाँ पे फिर O रहेगा और फिर N रहेगा और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है। क्या जाता है? फ्लोरीन। अब देखिए, अब ज्यादा इसमें क्लेवरिंग की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी फिर वही काम हुआ। अगर ये थाइमिन है, अगर हम थाइमिन की स्ट्रक्चर देखें, अब पहले फिर एक बार देख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये चूंकि मॉलिक्यूलर लेवल है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अब जल्दीबाजी करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब ये तो चलिए सुगर से जुट लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम सुगर से जोड़ लेंगे। चलिए, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, और यहां पे ये बात आता है फिर थायमिन की स्ट्रक्चर की बात आती है, तो ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, अब यहां पर यह थायमिन का स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए ये आपका हो गया 5-fluoro-uracil, और ये हो गया थाइमिन, और ये हो गया यूरेसिल, ठीक है, और फिर ये भी सुगर से चलिए जुट जाता है, चलिए हो गया, चलिए ओके। अब देखिए यहां पर भी मिथाइल है, अब मिथाइल की बात करें तो कार्बन की बैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की फिर एक बैलेंसी है लेकिन 3 है, तो फिर आ जाएगा 7। तो यहां पर भी देखिए तो हमने फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट किया है, तो इस तरीके का फिर आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट हुआ है। अब ये बन जाएगा 5-fluoro-uracil। अब जब 5-fluoro-uracil बनेगा तो यहां पर ये जो मिथाइल ग्रुप का जो ट्रांसफर हो रहा है इसके जगह पे ये नहीं होगा, और फिर 5-fluoro-uracil इस एंजाइम को रोक देगा। जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है, ये जो बांड है ये वाला जो बांड है ये टूट जाएगा। जब ये बांड टूटेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नीचे SH से जुड़ जाएगा, यहाँ पे SH से जुड़ जाएगा और ऊपर यहाँ पे ये फ्लोरीन से जुड़ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि यूरेसिल से जब थाइमिन बनता है तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। तो थाइमिडाइलेट सिंथेटेज को कौन रोकता है? 5-fluoro-uracil रोकता है। और 5-fluoro-uracil में अगर सल्फाहाइड्रिल की यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो बांड है ये ऐसे टूटेगा तो ये नीचे सल्फाहाइड्रिल यहाँ पे S जुट जाएगा और यहाँ पे जो फ्लोरीन है जुट जाता है। क्या जुट जाता है? फ्लोरीन। इसके मतलब इसमें एंजाइम में ना ये सल्फाहाइड्रिल इन रहता है तो ये यहाँ पे फ्लोरीन से इसको जुट जाएगा, तो फ्लोरीन से 5-fluoro-uracil ये बन जाता है। तो ये जब 5-fluoro-uracil बन जाएगा तो कभी भी ये मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप का जब ट्रांसफर नहीं होगा तो ये सिंथेसिस रुक जाएगा, मतलब यूरेसिल से थायमिन नहीं बनेगा। तो अब हम ड्रग टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे हुआ। हमने फोलिक एसिड का बनाया था, फोलिक एसिड बनाया था, तो फोलिक एसिड में हमने यहाँ पे बात किया था फोलिक एसिड का, फिर हमने एमिनोटेरिन बनाया था, यहाँ पे हमने OH को NH2 से रिप्लेसमेंट कर दिया था, और फिर यहाँ पे जो H था इसको हमने फिर CH3 से रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये हमारा टारगेटिंग था, टारगेटिंग करने में एक एमिनोटेरिन बनाए थे, दूसरा मेथोट्रेक्सेट बनाए थे। अब यहाँ पे हमने फोलेट बना दिया, फोलेट में एक हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ाए थे, एक ही अनसैचुरेटेड था उसमें 2 अनसैचुरेटेड है। अब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को फिर हमने दिखाया कि ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में जो अनसैचुरेटेड बांड है यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे CH एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक जो मैं बताया था कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब इस डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को मिथोट्रेक्सेट रुक देगा, तो मिथोट्रेक्सेट जब रुकेगा तो फाइनल अगर रिजल्ट इसकी अगर कंक्लूजन लिखे तो क्या करेगा, ये वन कार्बन
ये वन कार्बन यूनिट जो है, ये वन कार्बन यूनिट जो है, वन कार्बन यूनिट जो है जो ट्रांसफर करेगा उसको ये रोक देगा, किसमें? डिनोवा प्यूरिन सिंथेसिस में वन कार्बन यूनिट को रोकेगा, क्योंकि फिर यही चल के N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है N5N10। इसके बारे में मैं बताया था कि ये वाला जो CH2 है वो ये है, और यहां पे जो NH है वो NH में यहां पे लिखा हूं, और यहां पे जो मैं CH2 लिखा हूं ये सेरीन से ग्लाइसिन बन रहा है, और ये फाइनली क्या है कि ये सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज है। एक और भी बात कर लेते हैं कि जो इनहिबिशन होगा ये स्यूडो इरिवर्सिबल होगा। क्या होगा? स्यूडो इरिवर्सिबल होगा। क्यों स्यूडो इरिवर्सिबल होगा? लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बिकॉज इसलिए होगा कि इसका जो एफिनिटी होता है, इसका जो एफिनिटी होता है ये 50,000 times, ये 50,000 times ज्यादा एंजाइम से होता है देन द सबस्ट्रेट। एक तो पहली बात ये आप पहले इसमें ले लीजिए कि इसका पहली बात तो ये स्यूडो इरिवर्सिबल होता है। पहला बात हमने इसमें क्या ड्रा किया कि स्यूडो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, स्यूडो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। दूसरी बात कि इस एंजाइम से इसकी 50,000 times ज्यादा जो है एफिनिटी होगी देन द सबस्ट्रेट से, नॉर्मल सबस्ट्रेट से जो इसकी मतलब एफिनिटी होगी बाइंडिंग करने की वो ज्यादा होगी नॉर्मल सबस्ट्रेट की तुलना में। दूसरा, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक मतलब ये एस फेज में काम करता है। ये किस फेज में काम करता है? एस फेज में काम करता है। दूसरा, एक और भी बात करें तो ये जो ड्रग है ये कैंसर केमोथेरेपी में तो यूज होता ही है, कैंसर केमोथेरेपी में यूज होता ही होता है कैंसर केमो, ये इम्यूनो सप्रेसेंट में भी यूज होता है। किसमें यूज होता है? अमीनो सप्रेसेंट में। फिर इसको हम रोमोटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? रोमोटॉइड अर्थराइटिस में। किसमें यूज करते हैं? रोमोटॉइड अर्थराइटिस में। अब थोड़ी सी इसकी एक और बात बच रही है जो यहीं पे अगर हम आपको बता दें तो बहुत इजी होगा। जैसे ये ड्रग थोड़ा सा मतलब हाई डोज में और लो डोज में, हाई डोज में और लो डोज में थोड़ा सा एक एडवर्स इफेक्ट देता है। जैसे अगर हम इसकी लो डोज दें, अगर लो डोज दें और इसकी हम अगर हाई डोज दें तो लो डोज और हाई डोज में दोनों में अंतर है। लो डोज में ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कर देता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कर देता है, और जबकि ये हाई डोज जब हम इसको देंगे तो ये हाई डोज में ये थोड़ा सा पेन साइटोपेनिया कर देता है, पेन साइटोपेनिया कर देता है, और भी जीआई ब्लीडिंग भी कर देता है, जीआई ब्लीडिंग भी कर देता है। तो इसलिए इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को कई बार मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करने के लिए यहां पे एक ड्रग दिया जाता है, उसका नाम है फोलिनिक एसिड। क्या नाम है? फोलिनिक एसिड। इसका नाम है फोलिनिक एसिड। अब फोलिनिक एसिड क्या है इसको हम देख लेते हैं। फोलिनिक एसिड क्या है? फोलिनिक एसिड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके एडवर्स हम बात कर रहे हैं कि कैसे इसको हम अमेलियोरेट करेंगे। अमेलियोरेट मतलब अगर किसी को मिथोट्रेक्सेट का पॉइजनिंग हो गया, मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में और ये पेन साइटोपेनिया में ये आ जाता है, पेन साइटोपेनिया मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कर देता है। तो अब कोई सोचे कि मिथोट्रेक्सेट का हाई डोज हो गया या इसकी एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि ये फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को रोक रहा है तो हम फोलिक एसिड दे दें? नो, फोलिक एसिड देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये सॉल्व कैसे होगा? एक्चुअली में जो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है और फिर ये कन्वर्ट होकर के फिर ये यहाँ पे, ये अलग बात है कि फिर ये यूरेसिल और ये थायमिन, इस पर हम लोग बात कर लिए हैं। तो अगर इसकी बात करें तो एक और भी यहाँ पे ये टेट्राहाइड्रो जो फोलिक एसिड है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये फिर दोबारा ये यहाँ पे एक फार्म बनाता है, 5 फार्मिल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, 5 फार्मिल की जगह पे यहाँ पे हम लिख लेते मिथाइल, 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यहाँ पे ये बनता है। अब जो भी कैटालिसिस रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे जो हो रहा था वो क्या करेंगे, NADPH से दिखाएंगे और यहाँ पे हम NAD+ को हम यहाँ पे निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे भी वही काम होगा। अब यहाँ पे N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की अगर हम बात करें तो फिर अगर यहाँ पे भी फिर रिडक्टिविटी की बात होगी तो ये बनेगा मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब ये क्या करता है, यहाँ पे होता है सिस्टीन, होमोसिस्टीन, यहाँ पे सिस्टीन और होमोसिस्टीन होता है और ये सिस्टीन होमोसिस्टीन फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना देता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना देता है। तो अगर पॉइजनिंग होगा, अगर पॉइजनिंग होगा किसी भी आदमी को मिथोट्रेक्सेट का, तो हम फोलिक एसिड नहीं देंगे, हम यही देंगे, हम इसी को देंगे, 5-methyl tetrahydrofolic acid, इसी को हम लोग देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फोलिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिनिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं
फोलिनिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है सिट्रो सी, इसका दूसरा नाम है सी सिट्रोवोरम फैक्टर, इसका दूसरा नाम है सिट्रोवोरम फैक्टर। तो हमने सारे चीजों पे बात कर लिया, हम आपको ये बता रहे थे कि अगर इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई, अगर पेनसाइटोपेनिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, तो इसको एमेलियोरेट करने के लिए, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम फोलिक एसिड नहीं देंगे। जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से, जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है, तो इसी से एक और भी पाथवे चलता है। अगर यहाँ पे हम फिर ये बात कर लें तो ये NADPH से फिर ये बनेगा, अब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक फ्री होगा तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, और मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा, इसमें सिस्टीन से होमोसिस्टीन हेल्प करेगा। तो इसलिए इसी ड्रग को अगर हम देंगे फोलिनिक एसिड को, तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो एमेलियोरेट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। थैंक यू बेटा।